आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। मैं लगातार बोल रहा हूं कि नेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है, देश की सही तस्वीर नहीं दिखा रहा है। वो हिंदू और मुसलमान की तस्वीर एनआरसी और सीएए को तौर पर दिखा रहा है, मगर 40 दिनों में मैंने देखा कि हिंदुस्तान खड़ा होकर विरोध कर रहा है। इसीलिए मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ हिंदुओं से बातचीत करने के लिए। ये परिवार आया हुआ है, ये हिंदू परिवार और सरदार है। मैं मुस्लिम के इंटरव्यू नहीं कर रहा क्योंकि सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। नेशनल मीडिया सही तस्वीर नहीं दिखा रहा। लगातार अभी हमने देखा 20 स्पीकर सबके सब हिंदू थे, एक भी कवरेज नेशनल मीडिया पर हिंदू का नहीं हुआ। अब क्या बोलना चाहिएगा, क्या वाकई सही तस्वीर नेशनल मीडिया में नहीं जा रही? नेशनल मीडिया बिकाऊ हो गया, ये मीडिया नहीं मोडिया हो गया है, मोडिया। और ये जो है, ये जो तस्वीर है, ये इसलिए नहीं दिखा रहा, ये सब पूंजीपतियों के चैनल है, बिकाऊ चैनल है। और ये पूरा मिल के इस देश की जो जमीनें हैं, जंगल है, पूरा जल है, इसे सब बेच देना चाहते हैं। कश्मीर बेच दिया, ये जितने जंगल हैं आदिवासियों को जंगलों से निकालना चाहते हैं। एनआरसी इसलिए नहीं आ रहा कि मुस्लिमों के खिलाफ है, ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, ये पूरे देश के खिलाफ है, ये आदिवासियों के खिलाफ है, ये जो है ये यहाँ के जो दलितों के खिलाफ है, ये सिखों के खिलाफ है, ये मुस्लिमों के, ये सभी के खिलाफ है, ओवरऑल देश की जनता के खिलाफ है। सब लूट लेना चाहते हैं। आप देखें कि 70% पूंजी जो है 1% लोगों के पास पहुंच गई और 68 लोगों के पास में यहाँ के देश का आप 4 गुना पैसा जो है 68 परिवारों के पूंजीपति परिवारों के पास में। और मोदी जी जो है 13 पूंजीपतियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उन्हें श्योर करते हैं कि हम पूरी देश की जो है ये ज़मीनें और यहाँ की जो संपदा है वो सब दे देंगे। यही कश्मीर को बेचने का काम इन्होंने किया पूंजीपतियों के हाथ में। धारा 370 इसलिए नहीं हटाई कि वहाँ की भलाई के लिए, ये पूंजीपतियों को बेचने के लिए हटाई। यही जंगलों में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को 22 लाख आदिवासियों को दखल करने का काम किया था। और यदि विरोध नहीं होता उन 22 लाख आदिवासियों को उन जंगलों से दखल कर दिया जाता। जंगलों से दखल करने के बाद में जब विरोध जो हुआ वापस लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को भी अपना और केंद्र सरकार को भी। जब वो नहीं कर पाए तो वो एनआरसी एनपीआर सीए ये लेके आ रहे हैं और हम लोगों को जो है डिटेंशन केंद्र पे सेंटर में डाल के बताना चाहते हैं तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। जब नागरिक नहीं हो गए तो आपकी कौन सी जमीन, कौन सा घर, कौन सा द्वार, कौन सा जंगल, आप जेलों में जाओ, ये सभी के लिए है। व्यूअर्स, मैं लगातार अभी 2 घंटे से हूँ, 20 के 20 स्पीकर हिंदू थे, किसी भी नेशनल मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया। आप कहाँ से आई हैं और अपना नाम, और आप क्यों आई हैं और क्यों विरोध कर रही हैं हमारे व्यूअर्स को ये सिखाएं। मेरा नाम कमलेश चाहल है, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मैं एक इंसान हूँ। और ये जो बिल है ये इंसानियत के खिलाफ है। कोई हमसे हमारी नागरिकता पूछे, हमें कहे तुम पाकिस्तान चले जाओ, किसी भी व्यक्ति को, ये उसका सबसे बड़ा अपमान और गाली है। ये लोग अब देश की आज़ादी के 70 साल बाद कौन होते हैं ये पूछने वाले कि आप यहाँ के नागरिक हैं नहीं हैं। एकदम गलत है, ये विभाजनकारी है। जो हमारी मांगे हैं, हमें नहीं चाहिए एनआरसी सीए एनपीआर, हमें चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। बिल्कुल, आपको मैं लगातार देख रहा हूँ, कई दोस्त हमारे नेशनल मीडिया में वो ये कहते हैं कि मुसलमान क्यों विरोध कर रहा है, मुझसे सवाल पूछते हैं। मैं भी एक मुस्लिम पत्रकार हूँ, आपको मैं लगातार कई दिनों से देख रहा हूँ, कई सरदारों को देख रहा हूँ, मगर नेशनल मीडिया ये सारी तस्वीरें देश से छुपा रहा है, लगातार मैं बोल रहा हूँ, अब क्या कहना चाहिएगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा नेशनल मीडिया से कि आप जो गोदी मीडिया बन के बैठे हुए हैं, सच की सफ़ेद पत्रकारी कीजिए, पीली पत्रकारी मत कीजिए, और देश की असल तस्वीर पूरी जनता को दिखाइए। ये जहाँ पर जो प्रोटेस्ट है खाली मुस्लिम भाइयों का नहीं है, हम सिंधु सिख मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी मिलकर ही ये प्रोटेस्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश को तोड़ने वाला जो सीए कानून लाया जा रहा है ये बहुत ही गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये तब तक करेंगे जब तक इस काले कानून को आप वापस नहीं लेते। इसलिए मोदी जी, अमित शाह जी, चंद वोटों के लिए आप यहाँ पर आपस में जो धर्म मिलकर रहने वाले हिंदुस्तान को गुलदस्ता बनाते हैं उसको मत तोड़िए और इस काले कानून को वापस लीजिए और सभी को अपनी रोजी रोटी का जो रोजगार है वो रोजगार दीजिए। मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तानाशाह कभी ज़्यादा लंबे समय नहीं होते,
तानाशाही एक दिन खत्म हो जाती है। हिटलर का उदाहरण है और भी बहुत से लोगों के दुनिया भर में उदाहरण है कि उनके ज़्यादा अच्छे दिन नहीं रहे। हम देखते हैं कि अडवाणी जी ने राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे हिंदू और मुसलमानों को कैसे बांटा था। आज वो उनकी क्या हालत है वो उनसे जाकर घर पे पूछ लीजिए। एक दिन आपकी भी यही हालत हो जाएगी, क्योंकि दो धर्मों को लड़ाने का सबसे बड़ा जो जुर्म आप कर रहे हैं बहुत ही घटिया और बहुत ही नहायत घटिया है ये काम। इसलिए आप अपने गुरु अडवाणी जी से शिक्षा लेकर कम से कम इस काले कुनून को वापस लें और आप अपनी चैन की जिंदगी जी सकें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कई कई लोगों ने कई अफवाहें फैलाई कि महिला है 500 रुपए लेके यहाँ आ रही हैं, आप कई दिनों से आ रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा, क्या देख रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये जो कह रहे हैं कि 500 रुपए लेकर यहाँ महिलाएं आ रही हैं, ये सबसे पहले अपनी माँ और बहन का अपमान कर रहे हैं। मैं इन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये महिला कोई एक महिला नहीं होती, महिला हम सब की माँ और बहन होती है। इसलिए किसी भी महिला को बोलने से पहले हमको अपनी माँ और बहन को देख लेना चाहिए। इसलिए जो भी ये बोलते हैं वो कभी देश के सच्चे नागरिक भी नहीं हो सकते और वो किसी माँ के कोख से जन्म लेने वाले नहीं हो सकते, बहन का वो भाई भी नहीं हो सकते जो किसी भी महिला को गलत शब्द अपमानजनक बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं बहुत ही नफरत वाली बातें करूँ कह रहा हूँ, क्यों आगे से वो कभी भी किसी माँ बहन की तरफ उंगली की ना उठा सके। 500 रुपये कहना एक ये छोटी सियासत तो है, लेकिन ये आप अपनी माँ बहनों से जो खुद की हैं उनसे भी आप दूरी बना रहे हैं। इसलिए कृपया ऐसे घटिया सियासत करके आप ऊपर नहीं जा सकते और ये जनता आपको अच्छे से स्वागत कराएगी। खासकर मेरी माँ बहन है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो पहले सबसे एक औरत हैं, वो आपको अच्छे से सब सिखाएंगी कि किसी माँ बहन को गाली देना कितना बड़ा अपमान होता है। आप लगातार यहाँ पर आपको कितने हजार की भीड़ दिख रही है, आप कितने तो लाखों की भीड़ दिख रही है। ये भीड़ जो है ये पूरा अब तो पूरा देश शाहीन बाग बनने जा रहा है, पूरे देश में हर जगह शाहीन बाग, लखनऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये तो पूरा देश। और आप देखें लाखों की भीड़ अब जमा हो रही है, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। अच्छा मैम आप अंदर हैं, महिलाओं में किस तरह का जोश देख रही हैं आप अंदर? देखिए महिलाएं बहुत ही शानदार आंदोलन चला रही हैं, मेरे पास शब्द नहीं है मैं उनको किस तरह से तारीफ करूं। वो लोग जो ये कानून है और जो इससे उनका विश्व में क्या होने वाला है वो अच्छी तरह उन्हें दिखाई दे रहा है। वो कह रही थी कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कम से कम हम मान सम्मान से हमारा सिर तो ऊँचा है, कल हम डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, कल हमें कहा जाएगा तुम पाकिस्तानी है तो हमें कितना बड़ी गाली लगेगी। और हमें सुन के भी इतना अफसोस और दर्द है कि जो लोग इस देश में चुन के आए और जो लोग यहाँ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बने उनके इतने गंदे विचार और गंदी सोच है। हम उनको धिक्कारते हैं और तुरंत मांग करते हैं इसे वापस लें। और महिलाओं जो यहाँ बैठी हैं आंदोलन चला रही हैं उनका जितना भी सम्मान किया जाए वो कम है, वो बहुत ही ऊँचे आदर्शों को लेकर यहाँ बैठी हैं, कोई अफरा तफरी नहीं है, इतना प्यार मोहब्बत से सब लोग बैठे हैं और कोई भी महिला किसी को भी कोई गलत बात नहीं कह रही, सब स्वयं अनुशासन बना हुआ है, कोई पुलिस कोई प्रशासन यहाँ नहीं है, सब अपनी खुद पे बहुत सुंदर अनुशासन बनाए हुए हैं। मेरे पास मतलब बहुत ही तारीफ मैं उनके लिए कहने की है कि इतना शानदार अनुशासन यहाँ पर महिलाओं ने युवाओं ने बनाया हुआ है। इसको जरूर मोदी जी को अमित शाह को जरूर देखना चाहिए कि ये देश कैसा रहना चाहता है और किस तरह की इसकी तहजीब, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम दिल को छूने वाली बात है। बिल्कुल, जिन जिन खबरों को नेशनल मीडिया आपसे छुपाएगा, दर्शकों से सब छुपाएगा, प्लाज्मा न्यूज उन खबरों को आप तक पहुंचाएगा। हमारी कोशिश है कि नेशनल मीडिया जिन खबरों को छुपा रहा है उन खबरों को सबसे पहले मैं आपके तक ले जाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।